What matters the most? Bharat matters. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, जिसे सपनों की नगरी या माया नगरी भी कहा जाता है, इसे देश के बिजनेस कैपिटल के तौर पे भी लोग जानते हैं। कारण है यहाँ मौजूद देश के मेजर फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन सेंटर्स। आज यहाँ के मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन लगभग 15 मिलियन से ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी के कारण हर दिन यहाँ लाखों व्हीकल्स सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से एग्जिस्टिंग रूट्स सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं ज्योग्राफिकली देखें तो मुंबई अरेबियन सी की वजह से तीन ओर से क्रीक या कहें खाड़ी से घिरा हुआ है। ऐसे में इस आइलैंड सिटी और मेन लैंड यानी नवी मुंबई के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने और मुंबई में कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए एक नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और अभी भी चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL। मुंबई और नवी मुंबई के बीच ट्रैफिक को स्पीड अप करने और मुंबई से पुणे और गोवा के लिए ट्रैफिक को फैसिलिटेट करने के लिए मुंबई आइलैंड पर शिवडी और मेनलैंड नवी मुंबई के नहावा शेवा के बीच एक ब्रिज बनाया जा रहा है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का डिजाइन और प्लान सऊदी अरेबिया के किंग फहद कॉजवे और चाइना के हांगजोउ बे ब्रिज के सिमिलर है। बताया जा रहा है कि MTHL का 93% कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल नवंबर से यह ब्रिज ऑपरेशनलाइज्ड भी हो जाएगा। समुद्र पर बन रहे इस हाईटेक ब्रिज के बनने से सेंट्रल मुंबई में शिवडी से नवी मुंबई के चिल्डे तक जाना 15 से 20 मिनट में मुमकिन हो पाएगा। इससे लोगों के ट्रैवल टाइम में रिडक्शन के साथ साथ ट्रैफिक जाम में भी निजात मिल पाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 70,000 व्हीकल्स डेली बेसिस पर इस ब्रिज से गुजरेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जहां हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर मुंबई को इस न्यू लिंक की जरूरत क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। विश्व वर्ल्ड की फेमस सिटीज में शामिल मुंबई एक ऐसा शहर है जहां 603 स्क्वायर किलोमीटर के स्मॉल लैंड पर 1.5 से 2 करोड़ लोग रहते हैं। आज की मुंबई सिटी किसी समय 7 आइलैंड्स में डिवाइडेड थी। ये आइलैंड थे बॉम्बे, मजगांव, परेल, वोरली, महीम, लिटिल कुलाबा या ओल्ड विमेन्स आइलैंड और कुलाबा। 15th सेंचुरी तक यहाँ कई इंडियन किंग्स और मुस्लिम सुल्तान ने रूल किया, लेकिन इतिहास में इन आइलैंड की इंपॉर्टेंस उस समय बढ़ी जब यहाँ पोर्टुगीज रूल आया। उन्होंने थाने के पास मौजूद इन 7 आइलैंड पर कब्जा कर लिया। पोर्टुगीज के बाद इन आइलैंड पर ब्रिटिशर्स का राज एस्टैब्लिश हुआ। दरअसल ये आइलैंड नेचुरल पोर्ट की तरह थे, इसलिए ब्रिटिशर्स इन्हें हासिल करना चाहते थे। ब्रिटिश कंट्रोल में आने के बाद इन 7 आइलैंड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज हुई, जिसके कारण यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी तेजी से बढ़ी। साथ ही अब कई गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज यहाँ अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज ओपन करने के लिए जमीन तलाशने लगे। लैंड की इसी कमी को पूरा करने के लिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इन 7 आइलैंड्स को कनेक्ट करने का निर्णय लिया। इन 7 आइलैंड के बीच सी वाटर शैलो और डीप था, इसीलिए इन आइलैंड के बीच न्यू लैंड बनाने का फैसला किया गया। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। इन आइलैंड की दरारों और सी में एम्प्टी स्पेसेस को स्टोन और कुछ सॉलिड मटेरियल से भरा गया। कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 150 साल से ज्यादा का समय लगा और 1845 में इन आइलैंड को जोड़कर आज की मुंबई की आउटलाइन तैयार करी गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये काम 1838 में कंप्लीट हुआ था। इन्हीं आइलैंड से मिलकर साउथ मुंबई बनी और नॉर्थ मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बॉम्बे सिटी को फॉर्म किया गया। नवंबर 1995 में इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। आज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन कई मुंबई कर दिया गया और ये रीजन हैवली कंजेस्टेड और ओवर क्राउडेड है। सिटी का ज्यादातर हिस्सा सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया है। वहीं इसके पेक्यूलियर ज्योग्राफी की वजह से फर्दर एक्सपेंशन में ही दिक्कत आ रही है। ऐसे में एक्सपेंशन के लिए नवी मुंबई एकमात्र ऑप्शन है, जिसका नॉर्दर्न हाफ ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जबकि इसके सदर्न पार्ट में अभी भी डेवलपमेंट का स्कोप है, जहां 2500 हेक्टेयर ओपन लैंड है। ऐसे में सदर्न पार्ट में अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दोनों को प्रमोट करने के लिए मुंबई और मेनलैंड के बीच बेटर कनेक्टिविटी की जरूरत काफी लंबे समय से महसूस हो रही थी। मौजूदा वक्त में एरोली और वाशी ब्रिजेस 2 रोड लिंक्स हैं जो मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों ब्रिजेस अभी अपने सैचुरेशन की ओर बढ़ रहे हैं और फ्यूचर में ट्रैफिक ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
इसलिए लगातार हो रहे ट्रैफिक ग्रोथ को देखते हुए न्यू लिंक की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके बाद मुंबई के शिवडी से नवी मुंबई के नहावा शेवा के बीच एक ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। ये न्यू लिंक ना सिर्फ डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करेगा बल्कि नवी मुंबई के बाकी हिस्सों के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल साबित होगा। MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कंडक्ट कॉम्प्रेहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन स्टडी ने सजेस्ट किया है कि MTHL मुंबई में अकोमोडेशन और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। इसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से एक एलिवेटेड कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को ही हो गई थी और इसे शिवडी नहावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। MTHL मुंबई में भी बन रहा 6-लेन 3-ऑन-ईच-साइड एक्सप्रेसवे ब्रिज है। इसकी टोटल लेंथ अबाउट 21.8 किलोमीटर है जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 16.5 किलोमीटर ओवर द सी और दोनों साइड जमीन पर 5.5 किलोमीटर की लेंथ है। ये ब्रिज मुंबई में शिवडी नाम की जगह से स्टार्ट हो रहा है और रायगढ़ डिवीजन के नहावा शेवा के पास चिरले एरिया में एंड होगा। शिवडी में 3-लेवल इंटरचेंज बनाया जा रहा है जहां ईस्टर्न फ्रीवे और शिवडी वोरली ईस्ट वेस्ट कनेक्टर MTHL से कनेक्ट होगा। शिवडी में इंटरचेंज में 8 रैम्प्स होंगे जिनमें 2 रैम्प्स हाजी बंदर रोड को कनेक्ट करेंगे, 4 रैम्प्स मुंबई एंड नवी मुंबई को ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेंगे और 2 रैम्प्स शिवडी वोरली कनेक्टर को जोड़ेंगे। वहीं CIDCO द्वारा प्रपोज्ड कोस्टल रोड को कनेक्ट करने के लिए शिवाजी नगर इंटरचेंज में 6 रैम्प्स हैं। SH54 यानी स्टेट हाईवे 54 पर 4 रैम्प्स हैं जिनमें नवी मुंबई और JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को MTHL से कनेक्ट करने के लिए 2+2 लेन शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक NH348 पर 4 रैम्प्स के थ्रू नेशनल हाईवे से कनेक्ट होगा। इस जगह पर 4 इमरजेंसी लेन हैं। इससे मुंबई टू गोवा और पुणे एंड JNPT पोर्ट तक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलेगी। MTHL में अप्रोच सेक्शंस, इंटरचेंजेस, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS और दूसरी कई एमिनिटीज मौजूद हैं। इस मरीन ब्रिज पर ट्रैफिक कंडीशंस को ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर मॉनिटर एंड मैनेज किया जाएगा। इसके लिए ब्रिज पर CCTV कैमरास और इससे रिलेटेड दूसरी फैसिलिटीज इंस्टॉल की जाएंगी। ट्रैवलर्स की सहूलियत के लिए ब्रिज पर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए वेरिएबल मैसेज साइंस VMS इंस्टॉल किए जाएंगे। वहीं शिवडी मड फ्लैट एरिया और बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मध्य इस एरिया में ब्रिज पर नॉइज बैरियर्स और व्यू बैरियर्स लगाए जाएंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट 3 सेक्शन में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट सेक्शन में मुंबई बे और शिवडी इंटरचेंज पर 10.38 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज सेक्शन कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जबकि सेकेंड सेक्शन में मुंबई बे और शिवाजी नगर इंटरचेंज पर 7.8 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज बनाया जा रहा है। थर्ड सेक्शन में 3.61 किलोमीटर लॉन्ग वायाडक्ट कंस्ट्रक्शन शामिल है जिसमें नवी मुंबई के चिरले के पास स्टेट हाईवे 54 और नेशनल हाईवे 4 भी इंटरचेंजेस शामिल हैं। इस सी ब्रिज प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ₹178.43 बिलियन या कहें $2.76 बिलियन है जिसका 85% जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA द्वारा फंडेड है। 31 मार्च 2017 में JICA ने ₹79.1 बिलियन या कहें $1.22 बिलियन की फर्स्ट ट्रांच रिलीज की थी जो कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का अप्रॉक्सिमेटली 45% है जबकि 27 मार्च 2020 को सेकेंड ट्रांचेस साइन की गई थी। लास्ट मंथ JICA के प्रेसिडेंट डॉक्टर आकीहिको तनाका ने रिव्यू के लिए MTHL को विजिट किया था। वहीं JICA ने इसी साल अर्ली मार्च में ₹1927 करोड़ का थर्ड ट्रांच रिलीज किया है। साथ ही इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी प्रोजेक्ट के लिए ₹19.2 बिलियन या कहें $297 मिलियन सैंक्शन कर चुकी है। MMRDA ने प्रोजेक्ट के लिए जनरल कंसल्टेंट्स के तौर पर AECOM, दरल हंदाशाह और TYL इंटरनेशनल वाले कॉन्सोर्टियम को सिलेक्ट किया है। ये कॉन्सोर्टियम प्री बिडिंग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने, बिड डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनाइजिंग, गवर्नमेंट से परमिशन सिक्योरिंग, कॉन्सेप्ट डिजाइन एग्जामिनिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और क्वालिटी ऑफ वर्क को एंश्योर करने में डेवलपमेंट अथॉरिटी की हेल्प करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन या EPC डिजाइन बिल्ड बेसिस पर 3 पैकेजेस में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। MMRDA ने प्रोस्पेक्टिव बिडर से प्री क्वालिफिकेशन इनविटेशन के बाद 29 कॉन्ट्रैक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया था जिसके बाद पैकेज 1 और 3 की कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी लार्सन एंड ट्यूब्रो को दी गई। L&T,
जापान की IHI कॉरपोरेशन के साथ मिलकर पैकेज 1 का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसमें शिवडी में मल्टी लेवल इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन और शिवडी से मुंबई बे में 10.38 किलोमीटर 6 लेन मैरीन ब्रिज शामिल है, जबकि पैकेज 3 का कंस्ट्रक्शन LNT इंडिविजुअली कर रहा है। इस पैकेज में नवी मुंबई में 3.6 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन लैंड ब्रिज, इंटरचेंजेस, रेल ओवर ब्रिजेस और टोल प्लाजा शामिल हैं। वहीं पैकेज 2 साउथ कोरियन कंपनी Daewoo E&C यानी Daewoo इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है, जिसमें मुंबई बे और शिवाजी नगर इंटरचेंज में 7.8 किलोमीटर ब्रिज सेक्शन शामिल है। इस कंक्रीट ब्रिज के मिडिल में 4 किलोमीटर का स्टील स्पैन सेक्शन बनाया जा रहा है, जिससे कि इसके नीचे से शिप्स इजिली पास हो सकेंगे। यानी इस ब्रिज पर ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जो इंडिया में इससे पहले कहीं नहीं हुआ। इनमें MTHL का लॉन्गेस्ट स्पैन 180 मीटर और शॉर्टेस्ट 100 मीटर लॉन्ग है। इस ब्रिज पर मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आर होगी। MTHL पर ओपन रोड टोलिंग यानी ORT सिस्टम की फैसिलिटी होगी, जिसकी वजह से टोल पे करने के लिए व्हीकल्स को ब्रिज पर रुकना नहीं पड़ेगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इस सिस्टम का यूज करेंटली सिंगापुर में किया जाता है। ORT सिस्टम मोशन व्हीकल को आइडेंटिफाई कर एडवांस्ड स्कैनर्स और कैमरास की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिकली टोल टैक्स कलेक्ट कर सकता है, जिससे कि लंबी कतारों से बचा जा सकेगा। ये ब्रिज जिस रीजन से होकर गुजर रहा है वहां बड़ी संख्या में फ्लेमिंगोज आते हैं, जबकि लार्ज स्केल पर मैंग्रोव्स भी पाए जाते हैं। ऐसे में इस ब्रिज को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में पैकेज 4 के तहत भी वर्क किए जाएंगे, जिसमें एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS इंस्टॉलेशन, टोल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, हाईवे इल्यूमिनेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और कमांड कंट्रोल सेंटर जैसे इंटेल्स वर्क भी शामिल हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तीनों सिविल वर्क पैकेजेस का कमेंसमेंट डेट 23rd of March 2018 था। वहीं 5th of March 2023 तक पैकेज 1 का 92.6%, पैकेज 2 का 92.28% और पैकेज 3 का 98.09% कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है। यही वजह है कि इंडिया के इस लॉन्गेस्ट सी ब्रिज के इस साल नवंबर या दिसंबर तक ओपन होने की उम्मीद की जा रही है। MTHL के पैकेज 2 में 32 OSD स्पैन्स हैं। इनमें से 15 से ज्यादा स्पैन्स ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं। MTHL प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी MMRDA के कमिश्नर SVR श्रीनिवास के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग मार्वल MTHL का 93% वर्क कंप्लीट हो चुका है, जो एक वंडरफुल अचीवमेंट है। और इस तरह हम एक और माइलस्टोन को क्रॉस करते हुए प्रोजेक्ट कंप्लीशन के थोड़ा और करीब आ गए हैं। प्रोजेक्ट के पैकेज 2 के लिए टोटल 3132 सेगमेंट्स कास्ट हो चुके हैं। दोस्तों, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के बनने से मुंबई और नवी मुंबई के कई रूट्स पर ट्रैफिक लोड कम होने की उम्मीद है। इस सी ब्रिज से मुंबई, नवी मुंबई, लोनावला, पुणे और दूसरी कई जगह से आने वाले थाउजेंड्स ऑफ कम्यूटर्स को सहूलियत होगी। महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई से नवी मुंबई और कोंकण के बीच लोगों को शॉर्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी, जिससे कम्यूटर्स के टाइम एंड फ्यूल दोनों की सेविंग्स होगी। वहीं MTHL के थ्रू मुंबई और पुणे के बीच भी बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। MTHL के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने से वर्ली से पुणे के बीच ट्रैवल टाइम एटलीस्ट 1 घंटे सेव होगा। वहीं इससे न सिर्फ सिटीज में इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी आएगी। इसके अलावा इस लिंक से नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बाकी हिस्सों का भी तेजी से विकास होगा। ये प्रोजेक्ट प्रपोज्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA और मेनलैंड के बीच एक वाइटल लिंक प्रोवाइड करेगा, जिससे फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सकेगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नवी मुंबई को डेवलप करने पर फोकस्ड है। इसके लिए न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का एक्सपेंशन शामिल है। ऐसे में MTHL इन सभी प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव करने में मदद करेगा। MTHL मुंबई को स्लम फ्री बनाने में भी हेल्पफुल होगा या काफी हद तक स्लम्स को रिड्यूस करेगा। दरअसल ये प्रोजेक्ट साउथ मुंबई को नवी मुंबई और रायगढ़ से कनेक्ट करेगा, जहां कई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में लोगों को इन रीजन्स में रहने पर मुंबई जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी अपने कंप्लीशन के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर मुंबई के सोशल अपलिफ्टमेंट तक ये प्रोजेक्ट मल्टीपल एजेंडाज को फुलफिल करेगा। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है, और उसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज,
Read the following statement about the MTHL project and choose the correct option. Statement A. Its alternate name is Shivdi Nhava-Sheva Trans Harbour Link. Statement B. The construction started on 15th of January 2020. Statement C. The harbour link will connect Mumbai with Nalasopara. Statement D. It is expected to be completed in 2025. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope aapko video pasand aayi hogi. Aur agar pasand aayi hai, to apne doston ko saath saajha karna mat bhuliyega. Ab milte hain agle video mein. Tab tak ke liye Jai Hind, Jai Bharat.